हरभजन ने बताया ऋषभ पंत को पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, ये सवाल आपके जहन में जरूर होगा। ऋषभ पंत को चाहने वाले ऋषभ पंत के फैन इस बात को जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ऋषभ पंत को पहले मुकाबले में क्यों नहीं खिलाया गया, ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका क्यों नहीं दिया गया, ऋषभ पंत के ऊपर टीम इंडिया ने भरोसा क्यों नहीं जताया। ये सवाल आप लोगों के जहन में जरूर होंगे, दिनेश कार्तिक को उनके ऊपर भरोसा क्यों किया गया, ये सवाल आपके जहन में होंगे। तो इस सवाल का जवाब देते हुए हरभजन सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है और वजह बताई है कि आखिर ऋषभ पंत को क्यों बाहर किया गया और दिनेश कार्तिक को क्यों अंदर किया गया, यह हरभजन सिंह ने बताया है। हरभजन सिंह से जब इस बारे में पूछा गया कि आप ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में किसे बेहतर समझते हो और ऋषभ पंत को क्यों नहीं खिलाया गया, तो हरभजन सिंह ने कहा, ऋषभ पंत ने निसंदेह टेस्ट क्रिकेट और वनडे मैचों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सबसे छोटे प्रारूप में वो एक कुशल खिलाड़ी नहीं है। हालांकि यदि आप दिनेश कार्तिक को देखते हैं तो उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये सही निर्णय है। इस प्रारूप में कार्तिक को बेंच पर रखने का कोई फायदा नहीं है, दिनेश कार्तिक के खेलने का समय है, उसे खेलना चाहिए। तो वहीं दिनेश कार्तिक पर आगे बोलते हुए भज्जी ने कहा, ऋषभ पंत युवा है, उनके पास अभी भी काफ़ी समय बचा है, लेकिन दिनेश कार्तिक के पास केवल 1-2 साल बचे हैं और उन्हें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। टीम को भी कार्तिक के फॉर्म का उपयोग करना चाहिए और इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने नीचे बल्लेबाजी करते हुए बहुत सारे मैच जिताए हैं। हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के नीचे बल्लेबाजी करने से मुझे लगता है कि गेंदबाजों के लिए मुश्किल होने वाला है। तो आपने सुना किस तरीके से हरभजन सिंह ने बताया है कि दिनेश कार्तिक की फॉर्म का फायदा टीम इंडिया को उठाना चाहिए, उनके पास 1-2 साल बचे हैं और जब हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक निचले क्रम पर आएंगे तो जाहिर तौर पर विपक्षी टीमों के गेंदबाजों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऋषभ पंत की फॉर्म उस तरीके की T20 फॉर्मेट में नहीं रही है जिस तरीके की दिनेश कार्तिक की रही है। तो आपका हरभजन सिंह के इस बयान पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है वास्तव में कि ऋषभ पंत से ऊपर दिनेश कार्तिक को तरजीह देनी चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।